तो भाई एक बात बताओ, कितने दिन में गन पास करने लगे? गन तो सर 7-8 दिन में गन पास करना सीख गए। मैत्री किया हुआ मैंने। अच्छा मैत्री किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर क्या है, मतलब प्रैक्टिस फील्ड में नहीं होती है, गौशाला होती है, उसमें प्रैक्टिस करा देते हैं। अच्छा। तो उसमें 2 महीने तक थ्योरी चलती है और 1 महीने की प्रैक्टिकल चलती है। उसमें 1 महीने के का 10 दिन की वो मानो तो। अच्छा। जब तक फील्ड में नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो वहाँ मजा नहीं आ रहा था? मजा नहीं, पशु कम रहते हैं ना, 4-5 पशु रहते हैं, उन्हीं पर प्रैक्टिस कराते रहते हैं, वो तो नाम बड़े 10 छोटे ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। बिसम्बर बघेल MP से, और आज ये पहली बार फील्ड में गन पास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले रेक्टम से गोबर साफ करेंगे, इनसे और बात करेंगे बाद में, पहले देखते हैं इनका गन पास करने का तरीका क्या है प्रॉपर। तो गन पास होनी चाहिए प्रॉपर। गन को ज़्यादा नहीं हिलाते हैं, सर्विस को अंदर से मोमेंट करते हैं। ये ध्यान रखें कि गन ज़्यादा हिलाएंगे तो फिर कभी भी गन पास प्रॉपर नहीं होगी। और हो गई सर प्रॉपर? प्रॉपर तरीके एक बार मैं चेक करूँगा। अरे अच्छी तरह से चेक कर लो ना। ठीक है, लो पकड़ो दोस्तों, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि गन प्रॉपर पास है या नहीं है, क्योंकि ये भाई अभी पहली बार आज फील्ड में आए हैं। बहुत अच्छे, प्रॉपर गन पास है और अब सही है। अब जहाँ आपने गन रोक रखी है ना, ये जगह है बिल्कुल सीमेंट छोड़ने का। ठीक है, यही कर दें? कर दो सर। चलो तो भाई एक बात बताओ, कितने दिन में गन पास करने लगे? गन तो सर 7-8 दिन में गन पास करना सीख गए। मेरा पहला दिन था, मैंने पहली बार में दो गायों में गन पास कर दिया। अच्छी तरह से दोनों में कर दी, दोनों में पास कर दी कॉन्फिडेंट के साथ। कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, तो खुश हो? खुश है का सर, हो गई तो पास, खुश तो होगी ना, क्योंकि अभी तक तुम दुखी थे ना? नहीं दुखी थे ना, दुखी थे क्योंकि सर पता नहीं गन कैसे पास होगी। नहीं, पूरी तरह संतुष्ट हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। संतुष्ट हूँ क्योंकि जब तक गन पास नहीं होती तब तक ये लगता है कि हम पता नहीं सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। नहीं, हम तो सभी स्टूडेंट यही कहना चाहते हैं, सर के पास आना, वो फील्ड का अनुभव कराते हैं। मैं नहीं होता जब तक फील्ड में नहीं आओ तब तक कुछ नहीं होगा, फील्ड की प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप फील्ड में आए आज तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही था? अलग ही होता है ना, वो तो कहते हैं ये होता है, जब तक फील्ड में एक दिन भी आ जाओ ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। तो मुरैना MP में, कहाँ से? मुरैना से, तहसील है कैलारस के पास में, गांव खेड़ा कला, कैलारस जिला मुरैना मध्य प्रदेश। अच्छा, MP से हो? MP से। तो मजा आ रहा है काम करने में? सर मजा एक नंबर का। आज तो वैसे भी गन पास कर दी है, दो में गन पास कर। अच्छी बात है, क्योंकि फील्ड में काम करने का तरीका यही है कि फील्ड में पता चलता है कि आप गन पास कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और अगर आप गन पास कर लेते हैं इसका मतलब यह है, अभी आपने गन पास करी है, एक दो दिन में आपकी PD भी कराएंगे, PD भी हो जाएगी। PD की जब आप तैयार है हमारी। अच्छा ये बताओ कि कोई डिप्लोमा डिग्री है आपके पास? मैत्री किया हुआ मैंने। अच्छा मैत्री किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर क्या है, मतलब प्रैक्टिस फील्ड में नहीं होती है, गौशाला होती है, उसमें प्रैक्टिस करा देते हैं। अच्छा। तो उसमें 2 महीने तक थ्योरी चलती है और 1 महीने की प्रैक्टिकल चलती है। उसमें 1 महीने के का 10 दिन की वो मानो तो। अच्छा। जब तक फील्ड में नहीं आओगे जब तक कुछ नहीं होगा। तो वहाँ मजा नहीं आ रहा था? नहीं, पशु कम रहते हैं ना, 4-5 पशु रहते हैं, उन्हीं पर प्रैक्टिस कराते रहते हैं, वो तो नाम बड़े 10 छोटे ऐसा हो जाता है। चलो अच्छी बात है, आज आपसे गन हुई और खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी। बहुत खुश है सर, बहुत खुश हो। सर के पास आ, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, सर से बात करो, बहुत अच्छा व्यवहार है सर का, अच्छी खाना पीना की एक नंबर व्यवस्था है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा चलो हाँ। तो ठीक है, पशुपालक भाइयों के लिए कुछ कहना चाहोगे कि जैसे जो लोग काम कराते हैं गाय भैंस क्रॉस सीमन, हमारा रिजल्ट आपको कैसा लगा जैसे फील्ड में काम? रिजल्ट है सर, सर का फील्ड ऐसा जमा हुआ, मतलब सर जहाँ जाते हैं ना बहुत सर की वो वैल्यू है, बहुत बड़ा फील्ड है सर की, कोई टेंशन नहीं फील्ड, ये मना नहीं करते ये नया बंदा ये, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, हर एक से एक नंबर, ये नहीं है कहीं भी फील्ड में होते पशुपालक आप नहीं डरवाते, ये नया बंदा है, सर की बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, बहुत अच्छा फील्ड है सर का, कोई दिक्कत नहीं सर का फील्ड का। चलो तो ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।